इतना सारा सामान इनका पापा राधे राधे गोविंद। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। बस कल रात थोड़ा तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, पता नहीं क्या ही हुआ मुझे, आपको भी कैसे एक्सप्लेन करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल के लिए अल्मोड़ा का जो मौसम है वो आप देख सकते हैं कि अल्मोड़ा का मौसम कैसा हो रहा है। दोस्तों मुझे ना बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन जब रात को जब मेरी सुबह आँख खुली थी 5-6 बजे के आसपास, तब बाहर जाकर देखा तो इतनी तेज़ बारिश हो रही है, इतनी तेज़ बारिश में ना मुझे तो लग नहीं रहा था कि बारिश रुकने भी वाली है। अभी टाइम हो रहा है अराउंड 9:15 और मौसम अभी थोड़ा सा खुला हुआ है, मतलब बारिश नहीं हो रही है। और कल को हमने यहाँ से निकलना है सहारनपुर के लिए। अब पता नहीं कल कैसा मौसम रहता है, आई होप मौसम जो है वो इस तरीके का ना हो कि नहीं तो बहुत को ठंडा लगेगा, हमने जाना है तो भी दिक्कत ही होनी है। नहीं तो देखते हैं कल का क्या होता है, वो तो कल देखी जाएगी। फिलहाल यहाँ बंदरों ने मचा रखा है आतंक, वो देखो लड़ रहे हैं, लड़ मर रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो चलिए पहले नीचे ही चलते हैं, काम वाम कुछ भी नहीं हो रखा है, घर पूरा बिखरा पड़ा। ये देखो पूरा घर बिखरा पड़ा है, मैडम सफाई पे लगी हुई हैं, मेरे कान्हा जी उधर हैं, और ये कमरे के हाल भी बेहाल हो रखे हैं। क्या ही करे, कोई सामान अपनी जगह पर टिका हुआ नहीं है। तुम क्या कर रही हो नानू के साथ? हैं बैठी हूँ। नानू फोन साइड करो, मुझसे बात करो को। हाँ मुझसे बात करो को, मुझे गाने सुनाओ को। नानू की आवाज़ अच्छी है, गाने सुन तू इनसे, हम अंदर काम करते हैं, ठीक है? ठीक है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है भैया इसका। तो हमारी जो राधे है अभी नाना जी के साथ व्यस्त है, तब तक हम लोग ये काम निपटाते हैं। नौकर रखेंगे तूने? हाँ फिर हदूती साली किस चीज की हदूती बता दो जरा। सुनो मुंह बंद रख रहे हैं, इसमें केक मुंह में नहीं, इसमें यहाँ से आप गोलगप्पे ले जा रहे हैं, हम गोलगप्पे बनाएंगे। तू कुछ खिलाएगी नहीं, तब महिमा कह रही गली से ले जाती, पर आरू का कोई भरोसा नहीं है। ससुराल चली जाएगी तो फिर ससुराल के तरीके से रहेगी। तो ये छोटा हो गया ना, ले भी तो कितना जा रही है। और दिन हमारे इतने शोर शराबे के चलते तो उड़ जाती थी, कुंभकर्ण की जैसे सोई है अभी ये। इसको 2 घंटे होने वाले हैं, हो गए 2 घंटे, 100 बार हो गया ना, रहने दे सोने दे। लाइट खोल देंगे अपना उठ जाएगी। कितने मजे से सो रही है ये। नन्नू का ढोलक भी पैक कर दिया, पापा कह रहे मैं बजाऊंगा इस पे। नव्यश्री बेबी क्या कर रही हो? अंदर मत हाथ हटाओ। उसको देखो, उसे भी वहीं घुसना है बीच में। ओह हीरोइन को हमारी जरा खड़े होके दिखाना तो सबको। नव्यश्री ओ नव्यश्री, उसके हाथ से उसको ऊपर रख लेना छीन के। चलो सबको खड़े होके दिखाओ कैसे खड़े होते हो आप। चलो लो यहाँ कम, वेरी गुड, गिरना मत बच्चा, वेरी गुड। बहुत दूर नहीं पकड़ दिया आपने, बहुत दूर का ले लिया आपने। हाँ छोड़ दो तो हाथ, वेरी गुड वेरी गुड, वेल डन। तेरे वहां लगाएगी तो ऊंचा भी नहीं है, जमीन से हो। हाँ उसके ऊपर चढ़ जाएगी, एक साइड से नीचे एक साइड से ऊंचा है। वैसे भी तो ओपन तो कुछ नहीं रखती है, रखा है यार, हटाना पड़ेगा। इससे मैं देखेगी अपने को पूरा, देखेगी ना, मजा आएंगे इसको बहुत। हाँ। वो क्योंकि नीचे से है ना एक साइड। A few moments later. पागल हो गई, इतना सर दर्द हो रहा, इतना सर दर्द हो रहा। और ये लोग यहाँ पर सामान ही संभालने में, तब से इनका सामान ही नहीं संभला है, पता नहीं कितना सारा सामान इनका। पापा से सर दर्द हो रहा है अपना। क्रॉल करते करते पहुंच गई नानू की गोदी में। दूसरा जूता अभी एक के लिए जाना, कह रही यहाँ रखा है देखो नीचे। अरे नरवी क्या कर रहे हैं नानू? जूते कौन ले जा रहा है? बाजू में ले जाएंगे इनको। ठीक है, फेंकने में माहिर है मेरा बच्चे। ले मैं तेरे को भी फेंक दूं। मम्मी तेरे को फेंक क्या करे, ट्रक ही टूट जाएगा। व्हाट अ जोक। हा हा हा, हंसना चाहिए था तुम्हें। कितना इंटरेस्ट लेके देख रही हो क्या जो कर रहे करके। इसको भी खिला सकते हैं हम। चुप, ऐसे नहीं, पीस के मिक्सी में खाने के लिए। ये इसको क्या कर रही है? डायरेक्ट नहीं, अब पीसना पड़ेगा, ये तोड़ना पड़ेगा ना। पीसना पड़ेगा, तोड़ने पड़ेंगे ना ये दाने। अच्छा, हमने ये बीज लिए हैं वहाँ लगाने के लिए। इसमें बीज वाले बीज धनिया का। ये क्या है? ये फूल के नहीं, धनिया का लिया है और बीन्स का लिया है और सरसों का लिया है। दीदी 10 दिन कब लगाइए? तो दोस्तों रात के 8:30 बज गए हैं और आई नो मैंने पूरा दिन में पता नहीं कुछ वीडियो भी नहीं बनाई, आपने क्या ही देखा होगा इससे पहले। तो दीदी लोग ना बाजार गए थे, मैं बाजार नहीं गई थी क्योंकि मेरी तबीयत से ठीक से नहीं हो रही थी। मैंने आपको सुबह भी बोला कि थोड़ा बहुत सर दर्द वगैरह हो रहा था। और दीदी लोग बाजार से क्या लाए पता है? दीदी कुछ बीज लाई है अपने ससुराल के लिए, कह रही वहां लगाऊंगी धनिया, बीन्स और क्या है, और क्या है, एक हरी सब्जी है पता नहीं कौन सी हरी सब्जी भी लेकर आई है। अच्छा, मम्मी की पूजा हो रही है, लेट हो गया है। मम्मी से कहा चाह रहे हैं तो फूल भी लिया है। हाँ, ये तो हाजरी, हाँ मतलब सॉरी गेंदे का फूल है। हाँ। मैरीगोल्ड एक ये है। अच्छा हाँ सरसों है। ओए धनिया मुझे भी निकाल के दे देना ना। तो लगेंगे क्या? लगा तो दियो मैं, मुझे क्या पता, तुझे पता होना चाहिए। और दीदी लोग कह रहे थे कि हमने बाजार पे कढ़ाई ली तो उन्होंने तुम्हें कढ़ाई भी नहीं दिखाई। बोलो कैसे? मुझे नलवी के लिए चाहिए थी लोहे की कढ़ाई। लोहे की कढ़ाई यहाँ अच्छी मिलती है ना, वो लोहे को वैसे बनाते पीस लीजिए। अल्मोड़े में फेमस है, तुझे पता नहीं है पुराना इतिहास कहाँ से? पर इतना मुझे प्रॉपर नहीं पता। कभी मैंने एक बार एक टॉपिक थोड़ा सा देखा था। क्या लाइए देखो मम्मा, नाजो के लिए लोहे की कढ़ाई लाया है। ये वाली तो हमारे से अच्छी लग रही है यार मम्मी, मुझे वाह प्यारी सी लग रही है। देखो या उसमें खाना पका पका कर गंदी होगी। वो मशीन वाली होती है ना, मशीन वाली नहीं है, हाथ से मशीन वाली होती है वो जो ऑरेंज ऑरेंज सी होती है। हाँ, हाँ, हाँ। है ना, पता नहीं यार कैसी होती है, लेकिन ये हाथ वाली है। ये इसका अंदर का ये अच्छा लग रहा है मुझे। दीदी जैसे तेल खाना पकाई रहे, आयरन मिलेगा फिर इससे। नवश्री ये बहुत शरारती होगी, मैं आपको क्या बताऊँ। तो हम कूड़ा कैसे फेंकते हैं आपको भी दिखाते हैं। नहीं पता है, हमारे वहाँ पहले कूड़ादान था जो कि अब हट चुका है। तो रात को कूड़े की गाड़ी आती है तो हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं, यहाँ से मतलब ऐसा गोल मारते हैं हम, क्या ही बताएं। ये हमारा है कूड़ा और ये है नीचे कूड़े की गाड़ी। क्या ये जा पाएगा? थोड़ा आगे आने देती हूँ ना। अरे कहाँ खड़ी कर दी यार आज, ये तार में पता चला फंस गया। गया हमारी नन्नू को कैसे एंटरटेन। कौन कौन क्या किससे पिए खून? शॉल आओ जिससे तुम्हारा खून अच्छे से निकल सके। देखो तो ऐसी बातें करती है। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद राधे। कैसे देख रही हो मम्मी? राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद। अच्छा अभी तो आप हंस रहे थे वहाँ। गोविंद राधे 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 गो गाइड है। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। A few moments later. 9 बजने को है, हम लोगों ने खाना नहीं खाया लेकिन राधे की मम्मी इसके लिए ना रोटी बना रही है। मतलब क्या कर रही हो आप बताओ, आप ही बताओ भैया। अरे यार रोटी को मिक्सी में पीस के खिला रही हूँ सीधी सीधी बात, दूध के साथ। अच्छा आज तो वो नहीं है ना सब्जी भी है। हाँ, ना तोरई, सुबह तो तोरई की सब्जी। हाँ पता है दीदी क्या कर रही है, जैसे तोरई हो गई, लौकी हो गई, ऐसी कुछ सब्जियां है ना तो उनको बॉईल कर रही हैं, फिर उसमें रोटी और मतलब आधी रोटी मतलब ये मिक्स कर दे रही है, पुनः मिक्सी में पूरा पीस दे रही है और फिर बहुत उसको प्यार से खा रही है। ऐसा भी नहीं कि बहुत नहीं खा रही है, अच्छे तरीके से खा रही है। तो इसकी मम्मी अभी वही कर रही है और फिर हम लोग उसके बाद खाना खाएंगे। देख लो कितना टाइम चले जा रहा है हमारा, कितना बिजी हो जा रही हूँ हम आजकल, इसलिए टाइम पर कुछ भी नहीं बना पाती हूँ। नन्नू परसों तो सहारनपुर पे होगा बाबू। कुछ नहीं मारता था। 9 बज गए हैं और आज हमें खाना खाने में इतना ज्यादा लेट हो गया ना, मैं आपको क्या बताऊं। क्योंकि और दिन ना हम लोग ऐसा होता है कि पापा की नाइट ड्यूटी है तो हम लोग खाना उसी टाइम बना लेते थे। तो अभी ना ताई जी लोग आए तो उनके साथ ही बातों पे रह गए हम लोग, तो खाने पे लेट हो गया है। तो फिलहाल अभी मम्मी खाना खा रही है और भौंको देखो खाना खाने ही नहीं देती है यार। इसकी मम्मी इसका खाना लेकर बैठी है और वो खाने का नाम ही नहीं ले रही। और इसकी आंखें देखो, आंखें भर रखी है इसकी। मैं छोड़ दूंगी खाने को, अच्छा मेरे को खाना खाने दो, फिर तुम लोग सब रोते रहना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। बस इसको हमेशा ना खाना खाने से चलो मुझे चुन लेना यार। इनको कल निकलना है और इन लोगों के सबके तोते उड़ रखे हैं, सब कुछ सर दर्द हो रहा, सबका पेट घुमान हो रहा, पता नहीं क्या ही हो रहा है। इसको देखो, ये नन्नी को तो देखो, ये रो रही है यार। मोटू क्यों रो रहा है तू नन्नू? एक मोटा हाथी रोने लगा ससुराल जाने के नाम पे। देखो अरे मम्मी रोटी डाली क्या आपने? ले आलू डाला। ले खाएगी, ले पापा सब पीटूंगी ना, मजाक कर यार। So, दोस्तों अभी क्या करना है, इसके बाद खाना खाने के बाद धोने हैं बर्तन, थोड़े बहुत सामान और रह गया वो संभालते हैं। और इस छोटे से ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप जैसा भी है आपने यहाँ तक का वीडियो देखा है तो वही मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात है। मुझे पता है कि गिने चुने लोगों ने यहाँ तक देखा तो उनको बहुत ज्यादा थैंक यू। और मैं मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। राधे राधे दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। खा रही है? नजर उसकी मम्मी के खाने में थी, मैं इसको ये खिला रही हूँ। वाह बेटा वाह, बाबू मम्मी भी तो वही खाली यहाँ देख रही है और खा रही है। वाह क्या ठगा जा रहा है मेरी बच्ची को।